मेंटली तो ट्रॉमा हुआ, मेंटल ट्रॉमा को तो कोई समझता ही नहीं है ना। दिमाग के लेवल पे जो दिक्कतें आ रही हैं वो तो दिक्कत लगती ही नहीं है, पर स्टूडेंट को ये लगता है कि मैं इस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं नहीं करना चाहता इस प्रोफेशन को परस्यू, तो वो छोड़ ही नहीं सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन इस तरह की वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें देख रही हूँ तो उसकी वजह से ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो एटलीस्ट करियर बनाने से पहले तुम्हें मेडिकल लाइन के बारे में चीजें पता होनी चाहिए, रियलिटी तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि जिनकी बैकग्राउंड में कोई नहीं होता है मेडिकल लाइन में, जैसे कि मेरे में नहीं था कोई, ठीक है, मेरे को पहले से मेडिकल लाइन के बारे में बताने वाला कोई नहीं था, तो उसी तरह से मुझे नहीं पता कि क्या क्या होता है। लेकिन आज जब मैं चीजें जान रही हूँ, देख रही हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन स्टूडेंट्स तक रियलिटी को पहुंचाऊं कि क्या क्या होता है, और वो तब डिसाइड कर सके कि हाँ इस करियर में जाना है या नहीं जाना है। देखो, जब 2020 में कोविड पीक पर आया था तब मेडिकल प्रोफेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी थी, क्योंकि भाई डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल सभी लोगों ने अपनी जान दांव पे लगाकर पेशेंट्स की जान बचाई थी, लोगों की, हजारों लाखों लोगों की जान बचाई थी। तब क्या हुआ कि लोगों में इंटरेस्ट आने लगा कि नहीं यार, ये फील्ड अच्छा है, इस लाइन में करियर बनाना चाहिए, और बहुत ज्यादा फिर उसके बाद से नीट में भी तुमने देखा होगा कि एप्लीकेशन बहुत ज्यादा बढ़े। अभी तक हम पहले ये सुना करते थे कि इस डॉक्टर को मारा गया, इस डॉक्टर को पीटा गया, बहुत बुरी तरह से मारा, ये सब खबरें आती रहती थी, ठीक है, और उसके बावजूद भी डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे। लेकिन मेरा यहाँ पर ये कहने का मतलब नहीं है कि अगर कोई डॉक्टर गलती कर रहा है तो उसे पनिशमेंट मत दो। हमें मेडिकल एथिक्स भी पढ़ाए जाते हैं, जहां पर प्रॉपरली लिखा होता है कि अगर कोई डॉक्टर ये गलती करता है तो उसकी ये पनिशमेंट है, ठीक है। तो अगर कोई डॉक्टर मेडिकल एथिक्स से हटकर कोई काम कर रहा है तो आप डेफिनेटली उसको पनिशमेंट दो, उसके लिए कोर्ट है, लॉ है। लेकिन ये तो कहीं की कोई बात नहीं होती ना कि आप लॉ को अपने हाथ में ले लो, जो कि अभी तक हो रहा था, ठीक है। डॉक्टर्स को उनकी बात जाने बिना, उनकी पूरी बात जाने बिना बस हाँ लिया कि इस डॉक्टर ने हमारे पेशेंट को बचा नहीं पाया, या ये प्रॉब्लम हो गई, ये गलती हो गई, अब मारो पीटो और कुछ भी कर दो, ये सब वो अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि पेशेंट को बचाना है, बेस्ट ट्राई करते हैं। लेकिन 1% चांसेस तो होते हैं ना कि केस हाथ से निकल जाए, ठीक है, और उसके बाद जब लोग नहीं समझते, पेशेंट नहीं समझते, और फिर वो अटैक करने लगते हैं डॉक्टर्स पे, तो अटैक करना डॉक्टर्स पे ये एक नॉर्मलाइज कर दिया गया था कि अरे ये तो डॉक्टर्स को मारना पीटना, डॉक्टर्स पे अटैक करना, ये तो नॉर्मल चीज है, ये चीज नॉर्मल हो गई थी। लेकिन अब जो हुआ वेस्ट बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, जहां पर सेकेंड ईयर पीजी रेजिडेंट डॉक्टर का रेप करके मर्डर कर दिया गया, क्या इसको भी नॉर्मलाइज कर देना चाहिए? जो सेकेंड ईयर पीजी रेजिडेंट है, जो नीट क्रैक किया, 5 साढ़े 5 साल का एमबीबीएस किया, फिर पीजी एंट्रेंस क्लियर किया, और वो पीजी में सेकेंड ईयर की डॉक्टर थी वो, और उनके साथ ये सब हुआ, क्या इसके लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या इसको ऐसे ही नॉर्मलाइज कर देना चाहिए? जनरली हम सोचते हैं कि ठीक है, हम नीट क्रैक कर लेंगे, एमबीबीएस कर लेंगे, पीजी कर लेंगे, तो एटलीस्ट हम सेफ होंगे, हम प्राउड से जिएंगे अपनी जिंदगी को, क्योंकि जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो वैसे ही अपनी सोसाइटी और बहुत सारी प्रॉब्लम से लड़के आ रहे होते हैं, उनके पास पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी को सुधारने के अलावा और कोई तरीका नहीं होता, और वो यही सपने सोच रहे होते हैं कि हाँ मैं पढ़ लिख लिया मैंने, तो अब मैं कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से रहूंगा, रहूंगी, अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीऊंगी, और उसके बाद ये सब। इस केस में भी क्लियर दिख रहा है कि क्या हुआ है, लेकिन कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, सब कुछ इस केस को दबाने की ही कोशिश की जा रही है कि ये मैटर दब जाए कैसे भी। बस अब तुम देखो, तुम इस मेडिकल लाइन का, मेडिकल प्रोफेशन का, जहां से कोई स्टूडेंट एंटर करता है वहां से देखना, तुम नीट 2024 हुआ, इतना बड़ा स्कैम हुआ, ढेर सारे प्रूफ थे, साफ दिख रहा था, पेपर बटा था, लीक हुआ था, और खूब अच्छा खासा तरीके से लीक हुआ था, सबको दिख रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, उस मैटर को दबा दिया गया। बच्चे इंतजार करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना कुछ हमें जस्टिस मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, वो मैटर भी दबा दिया। अब जैसे तैसे करके एक स्टूडेंट अपने मेंटल ट्रॉमा को हैंडल करते हुए कि चलो ठीक है, मेंटली तो ट्रॉमा हुआ, मेंटल ट्रॉमा को तो कोई समझता ही नहीं है, है ना, दिमाग के लेवल पे जो दिक्कतें आ रही हैं वो तो दिक्कत लगती ही नहीं है। खैर, एक स्टूडेंट उनको भी क्रॉस करके आगे जाता है, फिर उसके बाद वो अपने कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो अब यहाँ पर एक और नई प्रॉब्लम है, वो क्या, बॉन्ड सिस्टम। अब अगर एक ऐसा स्टूडेंट जिसका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है वो कॉलेज में एंटर करता है, और अगर उसे ऐसा लगता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं यहाँ नहीं रह सकता, तो वो कॉलेज नहीं छोड़ सकता। क्यों? एमबीबीएस करने के बाद 10 लाख का बॉन्ड है, अगर आप एमबीबीएस की सीट बीच में छोड़ते हो तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे।
उसी तरह से अगर पीजी एंट्रेंस क्लियर करने के बाद अगर तुम पीजी में एडमिशन ले लेते हो तो तुम्हें वहां पर भी बॉन्ड है कि अगर वहां की तुम सीट छोड़ते हो तो 30 से 40 लाख रुपए तक का बॉन्ड है, मतलब सीट छोड़ने पर तुम्हें इतने रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का कोई स्टूडेंट है तो वो कहाँ से दे देगा इतने रुपए? इतने ही रुपए होते तो फिर हम और कुछ नहीं कर लेते, हम आते ही क्यों है इन सरकारी एग्जाम और सरकारी कॉलेजेस में? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास हमारी मेहनत है। अब हमारी इस मेहनत की वैल्यू नहीं रही है। अब अगर स्टूडेंट को ये लगता है कि मैं इस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं नहीं करना चाहता इस प्रोफेशन को परस्यू, तो वो छोड़ ही नहीं सकता है। अदर दूसरे प्रोफेशंस में अगर आपको लगता है कि आप ये नौकरी नहीं करना चाहते, आप आराम से छोड़ सकते हो, 1-2 महीने का नोटिस पीरियड के बाद आप छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो छोड़ ही नहीं सकते, आपको करना ही करना पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिलेंगे। एक स्टूडेंट की ताकत क्या है? उसके डॉक्यूमेंट्स ही है ना, वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे तो वो तो मजबूरन वहां पर पड़ा है वो, फिर ऊपर से कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव मेरा बस ये था कि अगर तुम मेडिकल लाइन में सिर्फ और सिर्फ दूसरों की लाइफ से अट्रैक्ट होके आ रहे हो तो पहले एक बार यहाँ की रियलिटी जान लो। पॉजिटिव पार्ट, अच्छा अच्छा पार्ट क्या है इस प्रोफेशन का वो सबको पता है, इसलिए तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट पता होने चाहिए। अपने जिस भी करियर को बनाने जा रहे हो, जिस भी फील्ड में आगे जा रहे हो, उसके बारे में तुम्हें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ अट्रैक्ट होकर किसी भी जगह पर मत जाना, अच्छे से सोच समझ के कि वहां की अगर ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो क्या मैं उनको हैंडल करने के लिए रेडी हूं। सिर्फ और सिर्फ ये देख के नहीं कि हाँ यही अच्छा अच्छा दिखता है, यही अच्छा अच्छा लगता है, इसलिए जा रहे हैं, क्या वहां की प्रॉब्लम्स को मैं हैंडल करने के लिए रेडी हूं या नहीं, ये सवाल जरूर अपने आप से कर लेना। क्योंकि अगर तुम यहाँ आ रहे हो और फिर यहां पर अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम फिर बीच में से नहीं जा सकते। इसलिए अगर एडमिशन लेने जा रहे हो, जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज में जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे कांटेक्ट करो, उनसे बात करो। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं बहुत दूर कॉलेज ले लेता हूँ और वहां एंजॉय करूंगा, वो सब करूंगा, लेकिन नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं है, प्रॉब्लम्स भी हैं, और जब प्रॉब्लम्स आएंगी तब कौन साथ देगा? और मैं बता रही हूं, इस दुनिया में तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा और कोई नहीं है जो तुम्हारा साथ देगा। इसलिए अगर कहीं पर भी जाओगे ना तो इस चीज के साथ जाना कि या तो तुम खुद सेल्फ इतने स्ट्रांग हो और दूसरे तुम अपने पेरेंट्स के पास रहो, उनके आसपास बने रहो। इसलिए अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में रखते हुए और अपने पेरेंट्स के साथ प्रॉपरली डिस्कस करते हुए अपनी लाइफ का डिसीजन लेना।